ओके क्यू वाले क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, सपोज ठीक ये क्यूब है, हर वायर की रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, और सपोज आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। हम इस क्वेश्चन को तीन मेथड से करेंगे, तीन तरीकों से करेंगे, जो आपको पसंद है आप फॉलो कर सकते हो। मेथड वन बनाते जाओ साथ साथ। देखो तो ये रेजिस्टेंस आ रहे हर वायर की, अब आपको इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। मेथड नंबर वन के अकॉर्डिंग सबसे आसान मेथड इस क्वेश्चन का तो यही है कि आप इसमें एक बैटरी अज्यूम कर लो कि ए और बी के क्रॉस बैटरी है, क्योंकि ना कोई सीरीज में है ना कोई पैरेलल में है। और अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है तो ई को आई से डिवाइड कर लो। मान लो बैटरी ने आई टोटल करंट सप्लाई किया, बाहर भी कितना आया आए, तो टोटल ईएमएफ बाय टोटल करंट क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपका आंसर आ जाएगा अगर आप ई और आई की रेशियो निकाल गए। ठीक, और अगर आप ये रेशियो निकालना चाहते हो एक काम करो, अगर आई करंट आया, आई करंट तीन पार्ट्स में स्प्लिट होगा, आई बाय थ्री, आई बाय थ्री, आई बाय थ्री। वो क्यों? क्योंकि इस पॉइंट ए और बी के बीच में सिमेट्रिकल फिगर है, सिमेट्री या डायगोनल के क्रॉस, चाहे आप ये रास्ता लो चाहे ये लो चाहे ये लो, करंट जो यहां से जाएगा वो भी 3R रेजिस्टेंस फॉलो करेगा, ये भी 3R करेगा और ये भी 3R करेगा, तो सिमेट्री है तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। आई बाई थ्री करंट यहां से फिर स्प्लिट होगा, इसको यहां पहुंचना है तो यहां से जाओ या यहां से जाओ, सिमेट्री है तो इसलिए इक्वली डिवाइड हो जाएगा आई बाई सिक्स एंड आई बाई सिक्स। उसी तरीके से नीचे वाला आई बाई थ्री, आई बाई सिक्स एंड आई बाई सिक्स, उसी तरीके से ये वाला आई बाई थ्री, I by 6 and I by 6। ठीक, अब यहां पे करंट आ रहा है आई बाय सिक्स, यहां से आई बाय सिक्स, तो टोटल मिलके कितना हो गया आई बाय थ्री, आई बाय सिक्स, आई बाय सिक्स, टोटल कितना हो गया आई बाय थ्री, यहां से आई बाय सिक्स, आई बाय सिक्स, टोटल कितना हो गया आई बाय थ्री, आई बाय थ्री, आई बाय थ्री, आई बाय थ्री, टोटल कितना हो गया आई। और वैसे भी जो करंट यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तीन वायर्स में इकट्ठा भी तो उसी तरीके से होगा, आई बाय थ्री, आई बाय थ्री और आई बाय थ्री, जैसे स्प्लिट होता है वैसे इकट्ठा होगा, तो ये रूल सही है, किरचॉफ लॉ हो गया। ठीक, तो मेथड नंबर वन में आपने करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर ली, आपको ई बाय आई की रेशियो चाहिए, आप एक लूप लो, यहां से इस वायर से होती हुई बाहर से होता हुआ यहां से वाली लूप बाहर बाहर से, तो किरचॉफ लॉ लगाते हैं, यहां से आगे जा रहे हैं तो माइनस आई बाय थ्री इंटू कितना आर, यहां से यहां जा रहे हैं माइनस आई बाय सिक्स इंटू कितना आर, यहां से ऊपर जा रहे हैं तो माइनस आई बाय थ्री इंटू कितना आर, माइनस से प्लस आ रहे हैं तो प्लस ई मस्ट बी इक्वल टू कितना जीरो। इसको सॉल्व करो और बताओ ई और आई की रेशियो कितनी आ रही है, ई और आई की रेशियो सॉल्व करके आ रही है 5 बाई 6 टाइम्स आर, सॉल्व कर लो ये आ जाएगा, और इसी को तो क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट
रेजिस्टेंस, ठीक है यहाँ तक, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये और आई की रेशियो आ जाएगी, इक्विलेट रेजिस्टेंस आ गई, ये मेथड नंबर वन है। ठीक, कोई डाउट इसमें? सेम क्वेश्चन करेंगे लेकिन मेथड नंबर टू से, ये ज़्यादा बेटर मेथड है। मेथड नंबर टू कॉम्प्लेक्स सर्किट में ज़्यादा काम आएगा और मैं ज़्यादातर इसी मेथड को फॉलो करता हूँ। किरचॉफ लॉ, ये तो एक ही क्वेश्चन है, इसमें ठीक लग रहा है आपको। अभी क्वेश्चन चेंज करूंगा ना, उसमें पांच पांच इक्वेशन बन जाएंगे किरचॉफ लॉ की, I1, I2, I3, इतने वेरिएबल है, सॉल्व कौन करेगा इतने लूप्स को। तो इस क्वेश्चन के लिए तो ये वाला मेथड वैसे सही है। तो मेथड नंबर टू के अंदर सेम क्वेश्चन है। मेथड नंबर टू देखो, तो मेथड नंबर टू में बस इतना पता होना चाहिए, इतनी करंट डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है इसमें, कि अगर सपोज करो करंट अगर आपने I/3 स्प्लिट किया था तो बाई सिमेट्री रिसीविंग एंड पर भी I/3 और I/3 ही होगा। और अगेन R इक्विवेलेंट क्या होगा? E/I होगा। बना लो डायग्राम फिर से, बनाना थोड़ा बड़ा बनाना क्योंकि इसमें कुछ और चेंज करने वाला हूँ। देखो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि सपोज ये बैटरी बैटरी का पोटेंशियल मान लो 100 वोल्ट है, कुछ भी E मान लो, V मान लो, 100 कुछ भी, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये 100 वोल्ट पे है तो ये 0 वोल्ट पे मान लें, 100 माइनस 0 इज 100 ना, तो पॉजिटिव टर्मिनल 100 वोल्ट पे और 0 0 नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट पे है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? E by I की जगह 100/I, टोटल EMI by टोटल करंट। ठीक, तो अगर ये 100 वोल्ट पे है, तो अगर ये 100 वोल्ट पे है तो इट मींस ये टर्मिनल, ये जंक्शन भी कितने वोल्ट पे है? 100 वोल्ट पे है, और इधर से ये जंक्शन कितने वोल्ट पे है? 0 वोल्ट पे। ठीक, 100 एंड 0। यहां तक क्लियर है? अब सपोज करो ये जंक्शन मुझे पता नहीं कितने वोल्ट पे होगा, तो मान लो ये कितने वोल्ट पे है? ये x वोल्ट पे है, कुछ भी x वोल्ट ले लो पोटेंशियल।
अब मेरे को एक चीज जरूर दिख रही है कि इस वायर में करंट अगर आई बाई थ्री है और इसकी रेजिस्टेंस आर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में कितना है, एक्स माइनस जीरो। तो ये बात पक्की है कि इस वायर की रेजिस्टेंस भी आर है, करंट इसमें भी आई बाई थ्री है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, एक्स माइनस जीरो एक्स। मतलब इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस एक्स है जहां करंट आई बाई थ्री है, तो जहां करंट यहां पर आई बाई थ्री है तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, एक्स। इसका मतलब अगर ये जीरो वोल्ट है तो ये भी कितने वोल्ट पे होगा, एक्स। वो क्यों, क्योंकि एक्स माइनस जीरो इज, ठीक है, अगर आई बाई थ्री करंट का पोटेंशियल डिफरेंस एक्स है तो ये भी तो आई बाई थ्री है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी एक्स माइनस जीरो इज एक्स। उसी तरीके से अगर ये आई बाई थ्री है और ये जीरो है तो इसका मतलब यहां का पोटेंशियल भी कितना है, एक्स, क्योंकि आई बाई थ्री वायर, जिस वायर में करंट आई बाई थ्री है वहां पोटेंशियल डिफरेंस एक्स माइनस जीरो एक्स। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक? अच्छा, यहां भी तो करंट आई बाई थ्री है, और अगर आई बाई थ्री है तो ये अगर ये 100 वोल्ट है तो ये कितने वोल्ट हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। वो क्यों, क्योंकि 100 में से जब ये माइनस करोगे, 100 में से 100 जीरो, और माइनस एक्स का माइनस यानी कि प्लस एक्स, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, एक्स। क्योंकि हर आई बाई थ्री वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या आना चाहिए, एक्स। ऐसी यहां पर ये आई बाई थ्री करंट जा रहा है, अगर ये 100 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स, और अगर ये आई बाई थ्री है ये 100, तो ये कितना हो गया, 100 माइनस, देखो हर पॉइंट्स का मैंने पोटेंशियल निकाल दिया। ठीक है यहां तक? अब नेक्स्ट, कोई भी एक जंक्शन ले लो, ये जंक्शन ले लेते हैं, वो जंक्शन लेना जो बैटरी के साथ कनेक्टेड है, वो नहीं लेना जिसमें जस्ट ये क्यूब की वायर्स आ रही हैं। तो करंट इसमें इनकमिंग है आ रहे जंक्शन की तरफ, इसमें भी इनकमिंग है जंक्शन की तरफ, और इसमें आउट गोइंग है जंक्शन से बाहर। और जंक्शन लॉ क्या बोलते हैं, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल गोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट जंक्शन की तरफ कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो इसमें कितना है, 100 माइनस एक्स माइनस एक्स, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है इसमें, इसमें करंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर। और इनकमिंग करंट है, ये भी इनकमिंग करंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें भी कितना होगा बोलो, 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर, इनकमिंग करंट को ऐड कर दिया। और आउटगोइंग करंट कितना है, आउटगोइंग करंट एक्स माइनस जीरो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, दो करंट इनकमिंग है इसमें और एक करंट आउटगोइंग है, तो इनकमिंग करंट का पोटेंशियल का करंट की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस बाय आर, इसमें कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस बाय आर, और इसमें कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस बाय आर। तो इक्वेशन बना गई, यहां से आर 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 क्या हो जाएगा, कैंसल, और सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की, और एक्स की वैल्यू सॉल्व करके आ रही है इसमें 40। ठीक है यहां तक? एक्स की वैल्यू आ गई इसमें, जंक्शन लॉ समझ में आया कैसे लगा, सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट। ठीक, हमने क्या निकालना है, आर इक्वलेंट विच विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय कितना, आई। ठीक, आप एक काम करो, आई निकालने का तरीका देखो, कोई भी वायर ले लो जो आपको ठीक लगती है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कुछ भी ले लो, कोई कोई भी, मान लो मैं ये ले लेता हूं, इसके अंदर करंट कितना है, आई बाई थ्री, तो किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस जीरो बाय आर, पोटेंशियल डिफरेंस बाय आर, करंट है, और करंट इसमें है कितना, आई बाई थ्री। ठीक, तो आई की वैल्यू यहां पे क्या आएगी, थ्री एक्स डिवाइडेड बाय आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई कितना आ गया, थ्री एक्स बाय आर, यानी कि आई इज इक्वल टू 3 इंटू 40 डिवाइडेड बाई आर, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 120 बाई आर। इस आई को उठा के यहां पुट कर देते हैं, 100 120 डिवाइडेड बाई आर, तो 100 120 बाई आर, इसको सॉल्व करोगे तो आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/6 आर। ये आया था हमारा आंसर, मेथड नंबर 1 में चेक करो सेम था।
ठीक, तो कोई भी वायर ले लो, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करंट है, और वहां से आई आ जाएगा, आई को वहां पुट करोगे आंसर आएगा। कुछ लोग कहेंगे कि पहला मेथड ज्यादा ठीक था, काफी लोग ये पूछेंगे वो ठीक था, एक लूप घुमाओ आंसर आ जाएगा, बस वो इसी क्वेश्चन में ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन में वो फेल हो जाएगा, इतने लंबी क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा, ये मेथड ज्यादा ठीक है। तो क्यू वाला क्वेश्चन तो नहीं आएगा, पर आपको ये पोटेंशियल निकालने आ रहे हैं, जैसे हर पॉइंट पे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, जंक्शन लॉ इंपॉर्टेंट है, बस ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। क्वेश्चन कैसा आएगा मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको, ये समझ में आ रहा है लेकिन कैसे किया, कोई डाउट इसमें? एक और मेथड है और वो सिर्फ इसी क्वेश्चन के अंदर चलता है, बता देता हूं क्या मेथड है। मेथड थ्री, एक ही बात है, ये वाला डायगनल ले लो, ये ले लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं, तो डायगनल तो सेम ही है। ठीक, तो यहां से आई करंट आ रहा है, आई करंट जा रहा है, और आपको ये वन है, ये एट है, वन और एट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने, आंसर वही आएगा 5/6R। तो तरीका डिफरेंट है, नोट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इतने लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी की असाइनमेंट ली जिनको नहीं मिली, ऑब्जेक्टिव जो लास्ट दी थी मैंने, कोई है? 1, 2 और 3, 4, 5 और ठीक से हाथ खड़ा करना प्लीज़, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बाकी सबके पास है? देखो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका, सपोज आपके पास ये आई करंट आया, ये वन टर्मिनल है, वन टर्मिनल आगे तीन रेजिस्टेंसेस के साथ कनेक्टेड है, वन टर्मिनल इमीडिएट, एक टू के साथ, एक फाइव के साथ और एक फोर के साथ, टू के साथ, फाइव के साथ एंड फोर के साथ, बनाओ 2, 5, 4।
नेक्स्ट टू जो पॉइंट है वो इमीडिएटली किसके साथ कनेक्टेड है, सिक्स के साथ और थ्री के साथ. तो टू कनेक्टेड है सिक्स के साथ और टू कनेक्टेड है थ्री के साथ. ठीक, हर वायर की रेजिस्टेंस आर जोड़ता जा रहा हूं मैं, छोटा छोटा बनाना. ठीक, नेक्स्ट जो फाइव है वो किसके साथ कनेक्टेड है, सिक्स के साथ एंड सेवन के साथ. तो जो फाइव है वो फर्दर कनेक्टेड है सिक्स के साथ एंड सेवन के साथ, फाइव सिक्स और सेवन के साथ. ठीक, और सिमिलरली जो फोर है वो किसके साथ कनेक्टेड है, थ्री और सेवन के साथ. तो फोर जो है वो कनेक्टेड है, फोर कनेक्टेड है दो रेजिस्टेंस के साथ, किसके साथ, थ्री एंड सेवन. ये थ्री ये सेवन. ठीक, याद है, क्लियर है यहां तक ऋषभ? ठीक, इधर से ये एट, अगर हम यहां एट की बात करें तो जो एट टर्मिनल है वो इमीडिएटली सिक्स थ्री और सेवन, एक दो और तीन, सिक्स थ्री एंड सेवन. वह समझ ही लो, पेज खत्म हो रहा है कईयों का, दो मिनट देख लो. ठीक, तब देखो यहां तक क्लियर है. अब देखो इसमें सिक्स और सिक्स को, ये तो सेम पोटेंशियल है सिक्स और सिक्स, तो इनको क्यों ना ज्वाइन कर दें सीधा. ये ज्वाइन हो गया, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सीधा कनेक्ट कर दिया. ऐसी थ्री के टर्मिनल को थ्री के साथ ज्वाइन कर दो, ऐसी सेवन को सेवन के साथ ज्वाइन कर दो, ऐसी थ्री को थ्री के साथ ज्वाइन कर दो, सेवन को सेवन के साथ ज्वाइन कर दो, सिक्स को सिक्स के साथ ज्वाइन कर दो. ठीक, अब बाइसिमेट्री, चाहे आप इधर से जाओ चाहे आप इधर से आओ, इधर से भी तीन पॉइंट आ रहे हैं, दो पांच और चार, इधर से सिक्स थ्री और सेवन. तो बाइसिमेट्री फाइव टू फाइव फोर आर एट सेम पोटेंशियल्स, एंड सिमिलरली सिक्स थ्री सेवन आर एट सेम पोटेंशियल, क्योंकि चाहे आप लेफ्ट से देख लो चाहे आप राइट से देख लो, सिमेट्री है दोनों में, पोटेंशियल सेम है. तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसा बनेगा, उसके बाद वन वन के साथ ये तीन रेजिस्टेंसेस हैं, एक दो और तीन, और इनको कनेक्ट कर दो टू फाइव फोर, ये जो पॉइंट है ये कॉमन कर दो टू फाइव फोर, बिकॉज दे आर एट सेम पोटेंशियल. उसके बाद छह रेजिस्टेंसेस हैं, एक दो तीन चार पांच और छ, एक दो तीन चार पांच छ, एंड अगेन एट सेम पोटेंशियल, कौन सा, सिक्स थ्री सेवन. और उसके बाद फिर से तीन रेजिस्टेंसेस हैं, एक दो और तीन, कनेक्टेड बाय एट. तो डायग्राम समझ लो, टू फाइव फोर सेम पोटेंशियल पे हैं, इनको ज्वाइन कर दिया एक जगह, और ऐसे ही सिक्स थ्री सेवन एक ही पॉइंट पर कंबाइन कर दिया, बाकी डायग्राम ऐसे इट इज है. आर 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 पैरेलल में, ये छह रेजिस्टेंसेस पैरेलल में, ये तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में, आपस में सीरीज में सॉल्व करके देख लेना. फाइव आर बाय, यही था पिछला मैं तो, आंसर सेम आएगा. ये क्लिक करना बड़ा मुश्किल है, तो चलो फिर भी बता दिया कि इस तरीके से ये क्वेश्चन कई बुक सॉल्व करती हैं. ठीक है, सीख लिया, काम आ गया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक. इसमें नहीं आएगा, हो सकता है किसी और क्वेश्चन में काम आ जाए.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो क्यूब का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर सपोज ये क्यूब है, ठीक ये क्यूब है, और मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है इस ए और बी के बीच में। इस बार ये डायगोनल नहीं है, इस बार ये डायगोनल है, जो बेस है उसके क्रॉस जो डायगोनल है, ये क्वेश्चन है। तो मेरे को इसके क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। शुरू करें तो इसके अंदर सपोज ये 100 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, सपोज ये 0 वोल्ट तो ये भी 0 वोल्ट, ये 100 वोल्ट, ठीक। अब देखो करंट कैसे जाएगा, करंट यहां से आया, आई करंट तीन ब्रांचेस में स्प्लिट होगा, I by 3 नहीं होगा क्योंकि करंट को A से B पे पहुंचना है फाइनली। तो जो तो इस वायर से करंट जाएगा उसके रास्ते में 2R रेजिस्टेंस है, और जो इस वायर से जाएगा उसके रास्ते में भी 2R रेजिस्टेंस है, लेकिन जो इस रास्ते से जाएगा उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो बाई सिमेट्री ये तो बोल सकते हैं कि ये A और B ये वायर सिमेट्रिकल हैं, लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है। कहने का मतलब कि इसमें अगर मान लो करंट I2 जा रहा है, इसमें सेम जाएगा। देखो क्यों सिमेट्री है, सिमेट्री कैसे है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि करंट को यहां से यहां जाना है, तीन रास्ते हैं, 1, 2 और 3। तो जो तो ये रास्ता फॉलो कर रहा है या जो ये रास्ता फॉलो कर रहा है उसके लिए बिल्कुल सेम सिचुएशन है, लेकिन जो ये कर रहा है ये लंबे रास्ते से जाएगा। कहने का मतलब जो इस रास्ते से करंट जाएगा वो मिनिमम रेजिस्टेंस इसमें 2R आ रही है, इसमें भी 2R आ रही है, लेकिन इसमें ज्यादा आ रही है, 1, 2, 3 और 4। तो इसमें करंट डिफरेंट है, इनमें करंट सेम है। समझ में आ रहा है सिमेट्री कैसे देखनी है। जो सिचुएशन इस रास्ते से आने वाली है वही सिचुएशन इस रास्ते से भी आने वाली है। अगर कोई ये कहे कि यहां से आते हुए ये वायर बीच में आ रही है, तो यहां से आते हुए ये वायर बीच में आ रही है, तो अल्टीमेटली ए और बी इन दो रास्तों के थ्रू सिमेट्री में है, ठीक है यहां तक। अब साफ पता लग रहा है कि अगर यहां से I1 करंट है और यहां पर जो करंट स्प्लिट हुआ वो I1 I2 पे है, तो ऑब्वियसली जो यहां पहुंचेगा वो भी I1 I1 एंड I2, क्योंकि जैसे स्प्लिट होता है वैसे ही इकट्ठा भी वैसे ही होगा। तो यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गया I2 I1 I1 में, तो रिसीविंग एंड पर भी क्या होगा I1 I1 एंड I2, ठीक। ठीक है यहाँ तक। और फाइनली अगर यहाँ पे I1 करंट जा रहा है, I1 I1, इसका मतलब ये है कि इस ब्रांच में ना तो कोई करंट यहाँ से एंटर हुआ, ना यहाँ करंट बाहर गया, तभी I1 का I1 करंट जाएगा। ऐसे यहाँ से जो I1 करंट यहाँ चला गया तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर I1 से I1 करंट चाहिए मुझे। तो इसका मतलब दीज टू पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल, करंट ना आ रहा है ना जा रहा है, तो इसको आप हटा सकते हो। तो आपका डायग्राम ये बन गया इजी, और ऐसे इसको हटा सकते हो। क्यों हटाया,
क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है कि करंट आई वन आई वन है, यहाँ पर आई टू आई, यहाँ पर भी आई वन आई वन है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट आई वन आई वन किया तो रिसीविंग एंड पर भी आई वन आई वन ही होगा। तो इसका मतलब इन वायर्स का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये करंट में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगी। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? तो ये क्वेश्चन ईजी बन गया। कैसे ईजी बन गया? अब ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ए और बी में आर और आर सीरीज में, आर और आर सीरीज में, टू आर टू आर, टू आर टू आर पैरल में, टू आर टू आर पैरल में, तो आंसर क्या आएगा? आर। तो इन चारों की जगह एक रेजिस्टेंस लगा ली, फिर यहां से ये आर रेजिस्टेंस है, यहां से ये आर रेजिस्टेंस है, आर और आर सीरीज में टू आर, आर और आर सीरीज में टू आर, टू आर टू आर पैरल में, तो अल्टीमेटली यहां पर क्या बच गया? आर। आर आर और आर किस में हो गया? सीरीज में। तो ए, तो ये कितना हो गया? थ्री आर। और ये कितना हो गया? बी। और ये कितना हो गया? आर। ये पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी थ्री आर इंटू आर, थ्री आर प्लस आर, थ्री आर स्क्वायर फोर आर, तो आंसर कितना आ गया? थ्री आर बाय फोर। ठीक है यहाँ तक आंसर आ गया? हाँ, काफी स्टूडेंट्स यही कर रहे थे दूसरे बैच में भी कि ये क्या हो रहा है। सच में दोनों बैचेस में ये हो रहा था कि ये क्या, हमें कैसे पता लगेगा कि यार ये भी ऐसे भी करना है, वायर हटानी है। आपको पता तो तब लगेगा जब ये क्वेश्चन आएगा। जब मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन ही नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, इतने बड़े क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, आपको छोटा क्वेश्चन आएगा। मैं भी आपको दूंगा, अभी क्यूब के क्वेश्चन खत्म कर दो, एक और क्वेश्चन रह गया, उसके बाद आपको लाइव क्वेश्चन दूंगा कि आया हुआ क्वेश्चन क्या है, आपको समझ में आएगा कि कैसे लगाना है। आप सिर्फ टेक्निक देखो, टेक्निक समझो कि कैसे सिमिट्री देख रहे हैं, कैसे आप एक वायर को उड़ा रहे हो उसमें, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन तो सिंपल बन गया इसमें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो मतलब अगर ये पता लग जाता है कि इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। पर ये समझ में आ रहा है कि कैसे पता लगा? कि क्योंकि यहाँ आई वन है, तो यहाँ पर भी आई वन ही होना था, तो यानी कि इस पूरी ब्रांच में आई वन, इस पूरी ब्रांच में आई वन ही होगा। ठीक, तो ये एक क्यूब का एक टाइप का क्वेश्चन है, और लास्ट टाइप का एक और क्वेश्चन है क्यूब का, उसको करते हैं और अपने इसको क्यूब के क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं, और उसके बाद फिर मैं एक क्वेश्चन दूंगा, अगर वो कर लिया तो समझो बस डन हो गया। लास्ट क्वेश्चन इज, सपोज इस बार इस ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। बहुत तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। एक मैंने आपको फोटोकॉपी भी दिया था क्यूब के क्वेश्चन, उसमें ये था, उसमें अगर जाके देख लेना, किरचॉफ लॉ यूज किया हुआ है, मेथड वन बड़ा लंबा है, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, फॉलो ही नहीं करना, सात इक्वेशनें बनेंगी, कौन करेगा सात इक्वेशन सॉल्व, तो मैं सिंपल मेथड ही फॉलो करूंगा इसमें। देखो ये क्या है? 100 वोल्ट। ये कितना है? 0 वोल्ट। तो ये जंक्शन किस पे है? 0 वोल्ट। ये किस पे है? 100 वोल्ट। ठीक, नेक्स्ट सपोज, अब करंट यहाँ स्प्लिट होगा, आई करंट है,
तीन वायर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। करंट को ए से स्प्लिट होकर जाना कहां पर है, फाइनली बी पे। तो जो तो करंट इसमें जाएगा उसके रास्ते में सिर्फ आर रेजिस्टेंस आ रही है, लेकिन जो करंट इस रास्ते से जाएगा या इस रास्ते से जाएगा उनके क्रॉस सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि इसके क्रॉस आर आर और आर थ्री आर, इसके क्रॉस भी आर आर और आर थ्री आर, सिमेट्री है। या कई लोग कहेंगे सर जरूरी थोड़ी है कि वो ऐसे आएगा, क्या पता ऐसे आए आर 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 और आर। हाँ इसमें भी हो सकता है आर 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 और आर। तो जो इसके साथ सिमेट्री बन रही है वही इसके साथ भी सिमेट्री है। तो अगर ये सिमेट्रिकल है, लेकिन ये नहीं, इसमें एक ही रेजिस्टेंस है। तो लेट अस सपोज करंट आई वन आई टू आई टू, तो इन दोनों में अब करंट सेम हो जाएगा और इसमें करंट डिफरेंट हो जाएगा। ठीक। और रिसीविंग एंड पर भी सेम होगा, यहां पे करंट अगर आई वन है तो यहां से आते हुए क्या आएगा, पक्की बात है आई टू, यहां पर भी क्या आएगा आई टू। मैंने बताया ना जैसे स्प्लिट होता है वैसे ही वापस भी इकट्ठा भी वैसे ही होगा। तो कैसे, आई वन आई टू आई टू, आई वन आई टू आई टू। ठीक, कोई डाउट इसमें? अब इसके अंदर सपोज करो ये एक्स वोल्ट पे है, पता नहीं कितना वोल्ट है, एक्स वोल्ट है, जंक्शन है। ठीक, अब ध्यान से देखना, जिस वायर में करंट आई टू है, आई टू है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एक्स आई टू एक्स। तो यानी कि इस ब्रांच में भी करंट आई टू है और ये जीरो है, तो पक्की बात है ये भी किस पे है, एक्स। जिस ब्रांच में I2 करंट है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि कितना अज्यूम करना है आप, सेम x। तो इसमें x, इसमें भी x, ये भी तो I2 है। अगर ये I2 है, ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस x, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करो तो क्या आएगा, x। ऐसे ये 100 है, ये I2 है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, 100 माइनस x। समझ में आ रहा है? तो जिस जिस ब्रांच में करंट I2 है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना ले लेना है, x। जो आपने यहां पे लिया वही सब में लेना पड़ेगा। ठीक, और लास्ट इसमें ये पॉइंट्स समझ में आ गए। अब बचे ये दो पॉइंट्स। इन दो पॉइंट्स के लिए अगर आप यहां पर इसकी सिचुएशन इससे कंपेयर करते हो, तो इसकी सिचुएशन इससे कंपेयर करते हो बात एक ही है। कहने का मतलब, अगर आप क्यूब के बिल्कुल एंड के कॉर्नर्स पे खड़े हो जाते हो और ये वाला पॉइंट इसके साथ कंपेयर करते हो, तो रास्ते में 2R रेजिस्टेंस, 2R रेजिस्टेंस, इसके साथ भी रास्ते में 2R और 2R रेजिस्टेंस, यानी कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके साथ जो भी होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसका इसके साथ होगा। तो लेट अस सपोज यहां का पोटेंशियल डिफरेंस अगर y है, तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस 100 माइनस y है। क्यों? क्योंकि 100 में से ये गया तो y, ऐसी y में से 0 गया तो y। ठीक, होगा डिफरेंट, वो पता नहीं क्या होगा, पर जो भी होगा वो सेम होगा। मीन्स अब इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम होगा। पूछ रहे शब्द, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, मतलब नहीं क्लिक करेगा वहां जल्दी जल्दी, बट समझ में आ रहा है भाई, प्रैक्टिस समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें वाई और वाई लिया। अब हर जंक्शन के ऊपर हमें पोटेंशियल पता लग गया। अब क्योंकि इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, तो हमें जंक्शन लॉ दो बार लगाना पड़ेगा ताकि एक्स और वाई कैन बी कैलकुलेटेड। तो एक काम करते हैं, पहला जंक्शन ले लेते हैं, ये जंक्शन, ये जंक्शन, इस जंक्शन में करंट यहां एंटर करेगा, यहां से बाहर आ रहा है और ऊपर से नीचे आएगा, क्योंकि ये करंट यहां से यहां मिलके यहां आएगा। तो इस वायर में करंट कितना है, मैं यहां जंक्शन ले रहा हूं, इस वायर में करंट कितना है, 100 माइनस एक्स माइनस एक्स पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है, इनकमिंग करंट। यहां से भी इनकमिंग करंट है, कितना इनकमिंग है, वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर मस्ट बी इक्वल टू। आउटगोइंग करंट कितना है, एक्स माइनस जीरो डिवाइडेड बाय आर, इक्वेशन नंबर वन। मतलब इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट प्लस इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट निकाल देना पोटेंशियल डिफरेंस बाय आर, पोटेंशियल डिफरेंस बाय आर, पोटेंशियल डिफरेंस बाय आर, एक इक्वेशन। एक जंक्शन ये ले लो वाई वाला, इसमें करंट ऑब्वियसली यहां से यहां आएगा,
इसमें करंट नीचे जा रहा है, इसमें करंट यहाँ यहाँ से यहाँ आएगा, मुझे कैसे पता लगता है? आप देखो ना, आई करंट आया, आई जो भी आई टू करंट आ रहा है वो इसमें और इसमें ऑब्वियसली स्प्लिट होगा, और यहाँ से जो करंट आएगा वो दोनों मिलके इसमें जाएगा, और यहाँ से जो करंट आ रहा है और यहाँ से जो करंट आ रहा है वो कुछ नीचे जाएगा, कुछ इधर स्प्लिट हो जाएगा, तो ऑब्वियस है ये करंट इनकमिंग है और ये आउटगोइंग है, बाय प्रैक्टिस पता लग जाता है बेसिकली। तो ठीक, तो इस जंक्शन पे यहां से दोनों करंट आएंगे, यहां पर बाहर निकलेगा, तो इनकमिंग करंट निकालने इसमें कितने हैं, 100 माइनस वाई, इनकमिंग करंट यहां पे कितने हैं, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय आर, और आउटगोइंग करंट कितने हैं, वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर। तो इनकमिंग करंट प्लस इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इक्वेशन नंबर 2, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहां से साइमल्टेनियसली सॉल्व करना एक्स और वाई के लिए, एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, जब सॉल्व करोगे तो एक्स की जो वैल्यू सॉल्व करके आ रही है वो आ रही है 250 डिवाइडेड बाय 7, जब सॉल्व करोगे दोनों को तो एक्स आ जाएगा। ठीक, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ज्यादा बड़ा है, तो एक्स की वैल्यू आ गई इसमें, कोई डाउट इसमें? टेक्निक समझ में आ रही है? मेन टेक्निक ये पोटेंशियल कैसे निकलते हैं, बस अगर ये समझ में आ गया अगला क्वेश्चन सही हो जाएगा जो मैं पूछने वाला हूं। तो एक्स और एक्स की वैल्यू आ गई, हमने क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलो क्या होगी, 100 डिवाइडेड बाय टोटल करंट। अब टोटल करंट बोलो क्या होगा इसमें, टोटल करंट इज टू टाइम्स आई टू प्लस आई वन, टू टाइम्स आई टू प्लस आई वन टोटल करंट है। ठीक, ठीक है, तो यहां से अब कोई भी ब्रांच ले लो, मान लो मैं एक ब्रांच ये ले लेता हूं, ये वाली ब्रांच, इस ब्रांच में आई टू बोलो किसके इक्वल है, एक्स माइनस जीरो डिवाइडेड बाई आर, आई टू इज एक्स माइनस जीरो डिवाइडेड बाई आर, एक्स की वैल्यू तो मेरे पास मैंने निकाली हुई है 250 बाई 7 डिवाइडेड बाई आर, आई टू आ गया। ठीक, और आई वन निकालने के लिए ये ब्रांच ले लो, ये वाली ब्रांच ले लो, इस ब्रांच में आई वन किसके इक्वल होगा, 100 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई आर, आई वन आ गया, आई टू आ गया, इस आई वन आई टू को यहां और यहां पुट कर देना, सॉल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ रहा है 7R/12, 7R/12, तो आई वन आई टू को यहां से उठा के यहां पुट करना तो 7R/12 आंसर आएगा। बट इन एनी केस चलो, क्वेश्चन तो जो भी था वो था, आपको ये पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट कैसे हेल्प करते हैं आपको एक कॉम्प्लेक्स सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में कैसे हेल्प करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ये एक एक्सपीरियंस है कि क्यूब के क्वेश्चन थे, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, आपको ये समझ में आ रहा है, एक आइडिया कम से कम पता लग रहा है कि कैसे इन क्वेश्चन को हम हैंडल कर सकते हैं। अब एक आया हुआ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आते हैं वो क्यूब वाले तो नहीं आते, कम से कम जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन आया हुआ है, सॉल्व करो। सपोज 4 वोल्ट की बैटरी है, एम मीटर है, वोल्ट मीटर है, 3 वोल्ट, 10 मिली एम्पियर, 100 ओम, इसकी रेजिस्टेंस आर। तो क्यूब तो नहीं है पर क्यूब से काफी आसान है, 2-3 रेजिस्टेंसेस ही हैं।
क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है, नहीं लेनी, ठीक। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है, एम मीटर दोनों की रेजिस्टेंस आर है, एम मीटर फर्स्ट रीडिंग शो कर रहा है 10 मिली एम्पियर, आपको बताना है कि एम मीटर टू की रीडिंग क्या होगी। ठीक, मेथड नंबर वन, करंट आई निकलेगा, आई आई वन और आई टू में स्प्लिट होगा, फिर आई वन करंट आई थ्री और आई वन माइनस आई थ्री में स्प्लिट, मीन्स हर ब्रांच में करंट शो करो, लूप नंबर वन, लूप नंबर टू, लूप नंबर थ्री, हर ब्रांच में करंट निकाल लो। और वहाँ से जब लूप्स लोगे तो दो वेरिएबल्स हैं, एक इस ब्रांच का करंट वेरिएबल है और एक आर वेरिएबल है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आंसर आएगा, लंबा मेथड है, पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन करो, लूप लो, सॉल्व करो, आंसर आएगा, वो तो एक है ही तरीका। उसकी बजाय हिंट दे रहा हूँ, आप ऐसा करो, ये सपोज 0 वोल्ट पे है, ये 4 वोल्ट पे, अगर ये 4 वोल्ट पे है तो ये 4 वोल्ट पे है, ये 0 पे है तो ये 0 वोल्ट पे है, हर पॉइंट का पोटेंशियल लिखो यहाँ पे, अपने आप ही आंसर आ जाएगा, हर जंक्शन का पोटेंशियल लिखो, आंसर आएगा, 2 मिनट का क्वेश्चन है सिर्फ। देखो ये बताओ, अगर ये 4 वोल्ट है और वोल्ट मीटर क्या रीडिंग शो कर रहा है, 3 वोल्ट है, वोल्ट मीटर इस जंक्शन और इस जंक्शन का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा 3, तो अगर ये 4 है तो पक्की बात है ये 1 है, तो 4 में से 1 क्या कितनी रीडिंग आ गई, 3, 1 वोल्ट हो गया, ये 1 वोल्ट है, ये 0 है और इस जंक्शन का मुझे पता नहीं, लेट अस सपोज V1 वोल्ट है, ठीक। इस एमीटर में ओम लॉ लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 में से 0 गया 1, ओम लॉ, करंट इसमें कितने हैं 10 और इनटू रेजिस्टेंस कितनी है R, तो यहां से R की वैल्यू सॉल्व कर लो, कितनी आ गई 100 ओम, एक लाइन, एक मिनट में आ गया R, कहां किरचॉफ लॉ लगा के सॉल्व करते हैं, समझ में आ रहा है यहां तक, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 में से 0 गया 1 इज इक्वल टू ओम लॉ आई इनटू R, R की वैल्यू आ गई। ठीक, अब जो करंट यहां से ऊपर जाएगा वो करंट इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो इस जंक्शन पे जंक्शन लॉ लगा रहे हैं, जंक्शन लॉ में इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट कितना है 4 माइनस वी वन डिवाइडेड बाई 100, 4 माइनस वी वन डिवाइडेड बाई 100 मस्ट बी इक्वल टू, यहां पे कितना करंट है वी वन माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 और यहां पे कितना करंट है V1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R, V1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R, ठीक, और R की वैल्यू हमें मालूम है कितनी 100 ओम, पुट कर देना यहां से क्या जाएगा V1, तो V1 की वैल्यू सॉल्व करके जो आ रही है वो आ रही है 5/3 वोल्ट, ठीक, तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई 5/3 वोल्ट, ठीक। लेकिन आपको तो इसकी करंट की रीडिंग चाहिए, तो करंट की रीडिंग यहां पर ओम लॉ लगाओ, V1 माइनस 1 इज इक्वल टू करंट, मान लो यहां पर I जा रहा है और इनटू रेजिस्टेंस R, तो V1 माइनस 1 इज इक्वल टू I इनटू R, तो V1 माइनस 1 I की वैल्यू कितनी है इसमें, सॉरी I हमने निकालना है और रेजिस्टेंस कितनी है 100, तो I के लिए सॉल्व कर लेना, आएगा 6.67 इंटू 10^-3 एम्पियर। तो क्यूब के क्वेश्चन तो चलो जो है वो है, पर आपको रूल समझ में आ रहे हैं कि छोटे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, ठीक, इंटरेस्टिंग है न्यूमेरिकल्स पॉइंट। वैसे सारी बुक्स ये मेथड फॉलो नहीं करती, बुक्स किरचॉफ लॉ ही फॉलो करती हैं I1 I2 I3 करके, तो आज के बाद अगर आप किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन देख रहे हो और उसका सोल्यूशन मेंशनड है, तो आप किरचॉफ लॉ की बजाय इस मेथड को फॉलो करके देख लेना, अपनी टेक्निक खुद डेवलप कर लेना, ठीक।